आसंतु जानिबा सर्वप्रथमे मेष राशि व्यक्ति विशेषक पाई आज दिन टी किपरि बितिबो। मेष राशि व्यक्ति विशेषक पाई दिन टी शुभप्रद रही कर्म क्षेत्र में जो बाधा विघ्न पूर्व चली दूरीभूत हो पारिवारिक जीवन सुखप्रद हो आनंद उल्लास सहित दिन टी अतिवाहित करेंगे। विद्यार्थी मानी स्थित भल रुभरंग हिसाब से दिन टी आप कॉफी कलर को व्यवहार करूँ, ब्लू कलर को व्यवहार करूँ, हल्का धला बा स्काई कलर को व्यवहार करूँ, शुभ फल पाई आपण शुभ संख्या हूँ नंबर 3 एवं नंबर 9। यही संख्या को व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल पाइबापी आपण सोरिष तेल परटा कर रुटी सोरिष तेल लगाई ताकू भल भाव एपट सेपट कर तावारे जो बाहर बुला कुकुर माने अछंती से बुला कुकुर को खाइबा को दियंतु रिष्टखंडित होई शुभ फल प्राप्ति करिवे। वृषराशि व्यक्ति विशेषक पाई देह मन संपूर्ण रूप से सुस्थ रहिबो। जहाँ बाधा विघ्न रही पूर्वरु ता दूरीभूत हेबो। निज को आज आत्मसमीक्षा कर योजना मान प्रस्तुत करिवे। फ्यूचरिस्टिक हेबे बा फ्यूचर प्लानिंग करिवे, भविष्य विषय में भाविबे। कौन सी जमी बा भूमि क्रय करिवार विचार मन मध्य आसिबो। शुभरंग हिसाब से कला धला नील बैगणी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। कॉफी कलर को मध्य व्यवहार करें, चॉकलेट कलर को व्यवहार करें। यह सहित शुभ संख्या हिसाब से नंबर 6 एवं नंबर 8 को व्यवहार करूँ। एवं घर बाहर समय माँ लक्ष्मी को दर्शन कर माँ लक्ष्मी को निकट में किसी आपणकर पद्मपुष्प किंबा आपणकर किसी सुवासित पुष्प जेकोसी धला रंगर सुवासित पुष्प अर्पण करूँ बा पद्म पुष्प अर्पण करूँ। जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत हो। मिथुन राशि व्यक्ति विशेषक शारीरिक समस्या जहाँ पूर्वर थी ता दूरीभूत हो। कर्मजीवन आपण सुखप्रद हो। बंधु बांधव सहित आमोद प्रमोद सहित दिन टी अतिवाहित करेंगे। स्त्री सहित सामान्य मतभेद देखादी पारे। बंधुक साहय सहयोग मिल कर्म क्षेत्र जीवन आपण आश्वस्तिकर हे। व्यवसायी मान व्यवसाय लाभवान हे। आपण शुभ रंग धला सबुज नील गोलापी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 5 एवं 8 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल प्राप्ति करने घर जिते बाहर को जाऊँगी माँ दुर्गा दर्शन कर दूरजात्रा करूँ। जित्रा हेतु परिष्टखंड हो। कर्कट राशि व्यक्ति विशेषक शारीरिक पीड़ा आज बढ़ी जाई पारे। शरीर में थंडा दोष, थ्रोट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, भूताणु जनित समस्या बा ज्वर, वायरल फीवर एगुड़ी को देखा दे पारे। कर्म क्षेत्र में कर्मचाप देखा देबो। पारिवारिक समस्या को नहीं चिंतित रहिबे। दिन भल जाऊन थिबारु आपण जगी रखी चलंतु। शुभ रंग हिसाब से धला कमला सबुज रंग एवं नील रंग को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल पाइबापी नंबर 2 एवं नंबर 9 को व्यवहार करूँ। आपण आज दिन टीप्स आपण जो दूरजात्रा करा पूर्व आपण किसी महु खाई दूरजात्रा करूँ बा किसी मिष्टान द्रव्य खाई दूरजात्रा करूँ। जहाँ भी दिष्ट रही खंडन हो। सिंहराशि व्यक्ति विशेष देह मन संपूर्ण रूप से सुस्थ र। प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे कृतकार्य हे विद्यार्थी माने। कौन सी नूतन निजुक्ति आपण को मिली पारे। तेबे जानवाहन रे किसी बाधा थिबारु जोरे बा हाई स्पीडली गाड़ी मोटर चलाना करंतु नाही। निज रक्त संपर्कीय बा सांगसाथी ठारु किसी विश्वासघातकता मिली पारे। तेणु अन्य को निज अंतरर कथा कहंतु नाही बा विश्वासयोग्य कथा अन्य आगे हठात कहंतु नाही, गुप्त कथा कहंतु नाही। दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो। पूर्वर किसी समस्या थिले समाधान हेबो। विद्यार्थी मानक पई दिन टी मध्यम रहिचे। आज परिश्रम कले परिश्रम अनुसार फल पाइबे। आलस्य परायण होई पारंती। आपण शुभ रंग लाल सबुज गोलापी एही रंगर वस्त्र परिधान करंतु। हलदी रंग को मध्य व्यवहार करंतु। आपण शुभ संख्या नंबर 5 को आज दिन बहुल भाव में व्यवहार करंतु। शुभ फल पाई आपण टिप्स आपण जेतेबेले दूरजात्रा करुछंती आपण गोटे तंबा ढाळरे जल एवं सामान्य गुड़ नहीं गुड़ मिश्रित जल को सूर्य भगवान को उद्देश्य अर्पण कर दूरजात्रा करंतु। शुभ फल प्राप्ति करेंगे। कन्या राशि व्यक्तिंकर
पारिवारिक जीवन में थिबा प्रत्येक बाधा विघ्न दूरीभूत हेब। कर्म क्षेत्र में आपण सफलता प्राप्ति करिवे। मानसिक जो चाप थिला पूर्वरु सेतिर समाधान हेब। दाम्पत्य जीवन में किसी मतपार्थक्य थिले ता दूरीभूत हेब। आपण शुभ रंग धला सबुज नील आकाशी यही रंगर वस्त्र दिनटे परिधान करंतु। अधिक शुभफल प्राप्ति पई नंबर 5 को व्यवहार करंतु। एवं घर जेतेबेले दूर यात्रा करुचंती यात्रा पूर्वरु माँ दुर्गा दर्शन करी दूर यात्रा करंतु। देखिबे समस्त प्रकार शुभफल प्राप्ति करिबे। एबे आसंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति पई दिनटी किपरि बितिबो। तुला राशि व्यक्ति पई पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेब। आज दिन में आपण भ्रमण प्रिय हेबे। भ्रमण उद्देश्य रे दूर यात्रा करिबे। कर्म क्षेत्र थिबा समस्त प्रकार बाधा विघ्न दूरीभूत हेब। आज दिन में अवसर पर आपण को अपराह्न समय समय मिल आपण दिन की शुभप्रद रही चिंतार कौन सी कारण ना। अधिक शुभफल प्राप्ति पई आपण दिन टे धला नील आकाशी गोलापी रंगर वस्त्र को व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 5 एवं 6 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभफल प्राप्ति करने घर जोबले आप बाहर को जाऊँच चढ़ई को किसी दाना आप खावा दे दूर जात्रा करंतु। यात्रा शुभप्रद हो। बिछाराशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत समस्या देखा दे पारे। किसी शारीरिक कष्ट उपजी पारे। परिश्रम अनुजाई फल कम मिल पारे। व्यवसायी माने व्यवसाय लाभान्वित हेबे। व्यवसाय पई दूर यात्रा करिया को पड़ी पारे। विदेश यात्रा करिया पई मध्य मनरे चिंताधारा आसीबो। विद्यार्थी माने विद्या साधन क्षेत्र में शुभफल प्राप्ति करिवे। उच्च प्रतियोगितामूलक परीक्षा कृतकार्य हेबे। सबुज एवं लाल ए दुईटी रंगर वस्त्र परिधान करंतु। नारंगी बा कमला रंगर वस्त्र को मध्य परिधान करंतु। अधिक शुभफल प्राप्ति करिया पई आपण शुभ संख्या हिसाब से 3 और 9 को व्यवहार करंतु। घर जेतेबेले दूर यात्रा करचंती यात्रा समय रे हनुमान को दर्शन करी दूर यात्रा करंतु। हनुमान को निकट रे 7 गोटी पानपत्र 7 गोटी लवंग अर्पण करी दूर यात्रा करंतु। जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत हो। धनुराशि आय अपेक्षा व्यय अधिक करी पारंती। पारिवारिक जीवन आपण पई सुखप्रद हेबो। कर्म क्षेत्र में अधिक आपण परिश्रम करिवे। व्यवसायी माने व्यवसाय रे शुभफल प्राप्ति करिवे। निजर अचीवमेंट बा गोल ले पहुँचिया पई समस्त प्रकार प्रयत्न करिवे। शुभ रंग हिसाब से धला हलदी एवं नील रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 3 और 9 को व्यवहार करंतु। घर जेतेबेले आपण दूर यात्रा करुचंती यात्रा समय रे केशर घोरी चंदन केशर घोरी कपाल रे बा निज गोळा रे मारी दूर यात्रा करंतु। शुभ फल प्राप्ति करिवे। मकर राशि घात चंद्र जोग थिबारु सतर्कता अवलम्बनीय। जाड बाहन रे चालना समय रे जोगी रखी गाड़ी मोटर चालना करंतु। शारीरिक आघात देखा दे पारे। स्वास्थ्यगत समस्या जो चिंतित हेबे शरीर रे एसिडिटी गैस्ट्रिक एवं आपणकर खाद्य हजम होबारे कष्ट कष्टकाठिन्य एभली समस्या उपजी पारे। आपण पई शुभ रंग नील सबुज धला यही रंगर वस्त्र दिनटे व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 8 को व्यवहार करंतु। घर जेतेबेले आपण बाहर को जाउचंती से समय रे आपण पक्षी को किसी दाना दे दूर यात्रा करंतु। विशेष करी काऊ को खाइबा को दे रुटी बासी रुटी बा किसी भात बा किसी खाद्य खाइबा को दे दूर यात्रा करंतु। रिष्ट खंडित होई शुभफल प्राप्ति करिवे। कुंभ राशि आय अपेक्षा व्यय अधिक रहिबो। कर्म क्षेत्र रे कर्मर चाप बढ़ी जाई पारे। अपराह्न समय रे दाम्पत्य जीवन रे छोट छोट कथा को नहीं कलह देखा देबो। पारिवारिक जीवन मध्यम रहिबो। विद्यार्थी मानक पई दिनटी भलरे बितिबो। आपण को पई शुभ रंग धला गोलापी आकाशी एही रंगर वस्त्र दिनटी परिधान करंतु। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 6 और 8 को व्यवहार करंतु। घर जेतेबेले आपण दूर यात्रा करुचंती महादेव को दर्शन करी दूर यात्रा करंतु। दृष्ट खंडित होई शुभफल प्राप्ति करिवे। मीन राशि व्यक्ति विशेष दिनटी मध्यम फलदायक रहिबो। पूर्वर कौन से स्वास्थ्यगत समस्या थिले तार समाधान हेबो। अन्य को संदेह करी बा निज लोक को संदेह दृष्टि देखी असुविधा पड़ी पारंती। संदेह करिया पूर्वर भाभी चिंती अन्य को संदेह करंतु बा किसी बिवादीय मंतव्य देवा पूर्वर जगी रखी आपण मंतव्य दियंतु। नचेत
अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हो पाए। शुभरंग हिसाब से दिन में हलदी कॉफी किंबा बादामी रंगर वस्त्र परिधान करंतु। शुभ फल प्राप्ति करने आपण नंबर 3 को बहुल भाव में व्यवहार करंतु। घर जेतेबेले दूरयात्रा करुछंती यात्रा समय आपण महादेव को दर्शन करंतु। महादेव को निकट में सातकोटी बेलपत्र लागी जदि महादेव को फटो बा शिव फटो रही सातकोटी बेलपत्र अर्पण कर दूरयात्रा करंतु। जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत होसतु। जाना आपण मैने ह्वाट्सअप भएस एसएमएस पठाई आपणकर किसी समस्या एवं तार समाधान संपर्क मु प्रसन्न कुमार शतपथी कहुची। मो पु विषय जानवर अच्छी पुह ना मिहिर कुमार शतपथी। तार जन्म मास 25/9/1997 गुरुवार राति 3:50। स्थान है अनुगुल। तार व्यवसाय विषय बुझा लगी चाहूँगी। से व्यवसाय करुच्ची मात्र लस होवसाय कि उन्नति हम से विषय बुझा लगी चाहूँगी। निश्चय पुओंकर व्यवसाय संपर्क जानवा जहाँ पुओ बर्तमान रोजगार क्षम होती व्यवसाय करा गर्वर कथा। पिला कार्यक्षम है रोजगार क्षम है तेरे तार जातक 25 September 1997 पिला जन्म गुरुवार। पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि 7/3 एवं जन्म लग्न हूँ सिंह लग्न। सिंह लग्न मिथुन राशि पिला जन्मग्रहण करातक देखुची। लग्न में बुध और राहु एकत्र रही सप्तम केतु रही सप्तमेश जी शनि व्यवसायर अधिपति शनि से अष्टम स्थान एट हाउस थी रवि द्वितीय थी रवि शनि मध्य परस्पर दृष्टि हो देखु। जेहेतु पिलार जातक लग्न में बुध रही बुध हूँ एक वाणिज्य कारक ग्रह। लग्न में बुध रहा ये व्यवसाय बहुत भल जो मानक भी जातक केवल पुह नुह जो दर्शक मैंने शुणुंट जातक बुध अच्छी लग्न में व्यवसाय कर बहुत भल कि पिलार टी असुविधा रही कौन ना सप्तमेश जी कि शनि से अष्टमस्थ हो गले अष्टम स्थान हूँ त्रिक स्थान पाप स्थान से रे रवि शनि परस्पर तात्कालिक शत्रु दृष्टि विनिमय जो कले ये ही समस्या आसला जो कारण कि पिला भल व्यवसाय कर फ्यूचर में सफलता पाइब किंतु जीक पैसा से सेव करने कथा से बेले बेले चिड़चिड़ा स्वभाव वर्तमान समय जातक शनि दशा चली ये गोटे नेगेटिव। सिंह लग्न शनि जोग कारक नुहति सप्तमेश शनि अष्टम अच्छा रवि दृष्टि अच्छा तेनाली प्रतिकार करूँ। प्रतिकार स्वरूप गोटे बाड़ी अँला कई कई कहते भूई अँला ये वृक्ष को कुंड में लगाई चंदन सिंदूर दीप धूप अपराजिता फूल दे रेगुलर आपड़ पूजा करूँ। देखिए जहाँ भी बाधा विघ्न रही पिलार जातक दूरीभूत हो व्यवसाय सफलता पाइब। जदि देखा निर्दिष्ट भाव जातक ताहले पिला जातक शनि वर्तमान शेष पर्यायर शनि आपणकर राहु चली शनि बृहस्पति आरंभ हे तेरे 16 June 2025 पर ठारु व्यवसाय निश्चय शुभफल पिला पाइपर व्यवसाय उन्नति हेब एवं ये व्यवसाय 16/5/2025 क्रमगत भाव में पिलार उन्नति 5-10 वर्ष पर्यंत रहिबो। तेणु 25 आप धरतु 2035 नेक्स्ट 10 ईयर पिला बहुत ही भल कर व्यवसाय सक्सेस हेब ताप आप आद चिंता करूँ ना जो बाड़ीवाला गोटी कहली से प्रतिकार करूँ। तेज दर्शक बंधु आपण मैने अनुरूप भाव में आपण समस्या को नहीं चिंतित था समस्या समाधान करने चाहता तेज स्क्रीन में जो ह्वाट्सअप नंबर दि जाऊँगी से नंबर में आपणकर जन्म तारीख मस मसीहा जन्म समय जन्म स्थान आपण कौन पाठ पढ़ी कौन करती से संपर्क में आपड़ लिखतु आप भॉइस रे ऑडियो भॉइस रे आपड़ प्रश्न पचारंतु आपण समस्या विषय अवगत करूँ। देखिए निश्चय ह्वाट्सअप ऑडियो भॉइस एसएमएस आम पाक आसवा क्षण आम राशिफल कार्यक्रम आपण नाम को डिक्लेयर करिबो एवं आपणकर समस्या समाधान करिबो। तेबे समय स्रोतरे आम समस्ते बंधा समय इशारा देलानी कार्यक्रम को एटी रखापी पड़ो आपण आज विदाय दिंतु। आपणकर दिनटी शुभप्रद हो माँ दक्षिण काली दयारू महाप्रभु जगन्नाथ दयारू बाबा लिंगराज दयारू आपण दिन समस्त बाधा विघ्न दूरीभूत होपण हस खुशी सहित आज दिन मेषरू मीन पर्यंत प्रत्येक राशि व्यक्तिशेष अतिवाहित करूँ।